देखिए इस वक्त हम तुर्कमान गेट पर मौजूद हैं। आपको मालूम है कि इतनी गर्मी हो रही है जो बार बार जो है रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन यहाँ पर लोग जानते भी नहीं कि किस तरह से गर्मी से बचा जाता। सत्तू है, उन्नाब है, शरबत है, उन्नाब है, बनकचा है और तुखमीरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के लोग नौजवान नस्ल जानती भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ बहुत दिन से सत्तू पिला के लोगों को जो है इस बात का एहसास दिलाते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सत्तू किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या है। सर आपका नाम? महेंद्र सिंह है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ अंगूरी बाग पेटी मार्केट में। अच्छा, आप यहाँ कितने साल से सत्तू बनाते हैं? ये 43 साल से होली है मुझे यहाँ से जी। अच्छा, मेरा रिकॉर्ड है। सत्तू किस किस काम आता है? ये किस काम आता है? ठंडी का काम आता है, जो गर्मी होती है गर्मी में काम आता है। अच्छा। ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, है ना, और गुड़ की शक्कर होती है उससे बनता है। अच्छा, जैसे आजकल के लोग हैं कोल्ड ड्रिंक लेते हैं 20 रुपए की 30 रुपए की, नहीं जानते, लेकिन उन तब कोल्ड ड्रिंक लेनी छोड़ दी, सत्तू पीते हैं हर गिड़ी, सत्तू लेते हैं मेला। सत्तू इतना बढ़िया है, आप पियोगे तो नींद आ जाएगी, मतलब इतना ठंडा होता है कि पी लो तो नींद आ जाती है। नींद आ जाती है पी के, इतना ठंडा होता है। अच्छा, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि गर्मी में किस तरह से बचें? गर्मी के किस तरह बचें? सत्तू पी के बच रही हैं लोग बाग। अच्छा, आप इसको कितने का देते हैं गिलास? 10 रुपए का एक गिलास, 10 रुपए का देते हैं जी भाव। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गरीब हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते। मैं पिला देता हूँ। अच्छा, मैं पिला देता हूँ जो भूखे तिसाई आते हैं भाई, जब मैं बच्चे लब पीले। अच्छा, जैसे लोग यहाँ पे आते हैं बहुत से, आप दे देते हैं, जाहिर है कि वो पुलिस वाले भी यहाँ घूमते हैं और कमेटी वाले भी आते हैं, तो उनसे तालमेल कैसा रहता है? वे सत्तू पी जहाँ पे लेते नहीं है, सत्तू पी देते हैं खूब। सत्तू पी के खुश हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, कहले बाबा जाइए मत, तू कहते जाइए मत, सत्तू यहीं बेच। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे जो नौजवान खास करें कि? देखो जी, जनानी भी बहुत पीने लगी, पीवे हैं, और मर्द तो घनी पीते हैं, और घरों भी जाता है घर में, कोई 50 का लेता है, कोई 30 का ले जाता है, पैग होता है कोई। अच्छा, जैसे ये सत्तू है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे तुखमीरा है, उन्नाब है, आप सत्तू ही बेचते हैं? नहीं, मैं तो सत्तू ही बेचता हूँ जी, मुझे बूढ़ा हो गया, मैं यहाँ बेचता। अच्छा, तो आप जो है लोग जो है आपके आके पी रहे हैं, जैसे ये भीड़ लगी हुई है पीछे, सब पी रहे हैं, तो इसमें जो है आप ये कब से कब तक बैठते हैं? हमें बैठता हूँ 7:30 बजे तक। सुबह के बजे आते हैं? सुबह 8:30 बजे 8 बजे आता हूँ, और शाम तक रहते हैं? शाम तक रहता हूँ। मतलब ये आप सेवा कर रहे हैं लोगों? सेवा कर रहे हैं, कोई भला ना देने वाला के पास। देखो, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये तकरीबन 40-50 साल से ये बचपन के टाइम से आए थे और ये बूढ़े हो गए और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सत्तू गर्मी के लिए एक बहुत ही मुफीद चीज़ है, जिसमें शक्कर भी मिली हुई होती है। आम तौर से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ठंड में किस तरह से बचा जाए, लेकिन डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों से जाने से अच्छा है कि यहाँ पर इनका सत्तू पिएं और सत्तू पी के जो है ठंड हासिल करें। मेरा सत्तू डॉक्टर भी मंगाता है, बड़ौत में डॉक्टर है परेशान वाला राजेश मलिक, उसका 20 साल हो गए सत्तू जाते हैं। उनके डॉक्टर भी डॉक्टर? हाँ, सत्तू मंगाता है, वो परेशान वाला डॉक्टर है राजेश मलिक, वहाँ से बड़ौत में है परेशान वाला। देखिए, डॉक्टर भी जो इनके सत्तू मंगाते हैं, और सत्तू जो है वाकई में पेट में ठंडाई ठंड डालता है, और आदमी को गर्मी में सत्तू ज़रूर पीना चाहिए। देखिए, यहाँ जो लोग सत्तू पीने आते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हमारे साथ ये मौलाना मौजूद हैं। मौलाना, आप ये बताइए सत्तू से क्या क्या फ़ायदे हैं? सत्तू से बहुत सारे फ़ायदे हैं, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि पेट ठंडा रहता है, पेट में जो सूजन होता है वो सूजन को कम करता है, और इसमें जो कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम औरंगजेब कलीम। औरंगजेब भाई, ये बताइए, जैसे भी मौलाना ने बताया सत्तू से बहुत फ़ायदे हैं, जाहिर है ठंड पेट में ठंडक रखता है, तो इस बारे में आपको क्या क्या? देखिए, सत्तू तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गैस में बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह सवेरे उठ के आदमी निहार मुँह यानी खाली पहले सुबह सवेरे पानी पीने के बाद सत्तू का इस्तेमाल करें, तो उस आदमी को गैस का कभी शिकायत नहीं होगी। और फिर सत्तू से क्या होता है कि हाजमा भी दुरुस्त रहता है, और ये भारत का बहुत ही अच्छा खाना माना गया है, और गांव देहात में इसको लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सत्तू जो है, इसमें चना का सत्तू जो है वो डॉक्टर भी बताते हैं कि गैस वाले जिसको गैस की शिकायत है वो चना का सत्तू इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा। मेरा नाम नदीम है, और सत्तू जो अभी आपने सामने दिखाया बेच रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की बहुत पुराना मशरूब है, शरबत है। और ये सत्तू जो बनता है, इसमें कई किस्म के सत्तू होते हैं, चने का भी होता है, मुरमुरे का भी होता है। तो ये ठंडे पानी के लोग मिला के गर्मियों के सौगात होती है, इसको पीने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें इस बात का ध्यान रखें, आजकल जो मौसम है इसके अंदर बर्फ़ ना मिलाएं, सादे पानी के साथ पियेंगे तो ये पेट की गर्मी भी सहल करेगा,
साथ में भूख भी खत्म करेगा और आपकी आपको राहत भी बख्शेगा, गर्मी का बेहतरीन तोहफा है। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।